पापड़ी थाना क्षेत्र के डिलिया लक नहर पर एक युवक का शव बरामद हुआ। घटना के संबंध में बताया जाता है कल दोपहर से युवक भैंस को लेकर चराने गया था। शाम को जब घर वापस नहीं आया तब घर के परिजन खोजबीन करने लगे। रात भर खोजबीन की फिर भी कुछ पता नहीं चल पाया। जब आज अहले सुबह डिलिया नहर के पास खोज रहे तभी नहर में मृतक का शव तैरते हुए देखा, जिसके बाद उसको बाहर निकाला गया। घटना की सूचना मिलते ही चौरी थाना अपने दल बल के साथ घटना स्थल पर पहुंची और शव को अपने कब्जे में लेकर अंत परीक्षण कराने के लिए सदर अस्पताल भेज दिया, जहां शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंप दिया। परिजनों द्वारा यह बताया जा रहा है कि 6 माह पूर्व गांव के ही एक व्यक्ति से जमीन विवाद को लेकर मारपीट हुई थी। हमें आशंका है कि उस विवाद को लेकर मारकर इसे पानी में फेंक दिया गया। मिली जानकारी के अनुसार मृतक अपने 4 भाई बहनों में सबसे बड़ा था और यह उड़ीसा में अपने मामा के यहाँ बेल पहाड़ में रहकर मजदूरी का काम करता था। कल सांझे खोजत रहन जा लाश खोजत रहे तो ना मिलल, 5 बजे भोर में लाश मिलल। कहाँ मिला? नहर में। क्या लग रहा है? लग रहा बा डूबल वाले से, लेकिन परिजनों का कहना है कि मार के फेंक दिए। अब तो हमने डूबल में छान लेबे जा, हमने तो दखल के के मारा। अब थाना का कब पता चला? थाना का पता चल रहे 12 बजे। अच्छा, क्या 12 बजे पता चला था? 12 बजे पता चला लड़का घर में नहीं है, गए उसका घर में। तो आप लाश कब मिला है? लाश में 6 बजे भोर में। क्या नाम है आपका? जितेंद्र सिंह। कौन थाना से है? चौरी थाना। हत्या का मामला है। 1:30 बजे भैंस लेकर गया और 4 बजे भैंस अपने आप चले आए, तो उसके बाद खोजने लगे तो नहीं मिला। रात भर खोजा, सुबह में 6 बजे के लगभग में 12 लाख के अंदर में दिखाई दिया। कब से ना पता थे ये? 1:30 बजे से, 4 बजे से। 4 बजे से? 4 बजे से। क्या पहले से किसी से दुश्मनी था? हाँ। किससे दुश्मनी था? मोहन सिंह से। क्या लगता है कोई मार के फेंके हैं? पूरा टोटल परिवार का उसे हम। आप लोगों को पता चला? हम लोग का माता पहले से उससे झगड़ा था, इसलिए मालूम चल गया कि उसी के हाथ। पहले बोल दिया था कि हम मर्डर करेंगे। कहीं चोट का निशान है? हाँ। कहाँ पे? कान के आसपास और छाती पर। कान में। क्या नाम है आप? सिंह कुमार सिंह। क्या लगते हैं आप उनके? लड़का। क्या नाम है मृतक का? धर्मेंद्र सिंह। घर कहाँ है? दिल्ली।